अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल डियर। डियर स्टूडेंट्स, ओपन अप योर बुक एट पेज नंबर 67। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक 3D शेप्स। इससे पहले हमने 2D शेप्स की थी, टू डायमेंशनल, जो कि होती हैं प्लेन फिगर, ठीक है, जिनमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है। तो आज हम देखेंगे 3D शेप। 3D शेप्स कौन सी होती हैं? जो सॉलिड फिगर होती है, ठीक है, जिनमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, ठीक है। सॉलिड फिगर जिसमें आप क्या देखेंगे, उसकी लेंथ देखेंगे, उसकी विड्थ भी देखेंगे और उसकी हाइट भी देखेंगे, ठीक है। अब है, जैसे हमने 2D पढ़ी थी तो उसमें सिर्फ हम उसकी लेंथ ब्रेथ देखते थे और उसमें क्या था, वो प्लेन फिगर्स थी। जो 3D होती हैं वो सॉलिड फिगर होती हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे ये कौन है, ठीक है, जैसे आप आइसक्रीम कोन खाते हैं तो हर साइड से है ना कोन बना हुआ, तो वो क्या होता है, कोन, ठीक है। वो क्या होती है, 3D शेप्स होती है, 3D, ठीक है। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें उसमें होती हैं। ये आ गया कोन, आपको ये नाम लर्न करने, ठीक है। कोन, ये होता है क्यूब, ये होता है क्यूबॉइड, ये होता है स्फीयर। जैसे बॉल आप खेलते हैं ना, जिस बॉल से, फुटबॉल या कोई भी क्रिकेट बॉल, तो वो बॉल जो होता है वो क्या होता है, स्फीयर होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो इस शेप में हो, गोल और लेंथ में इस तरह से, वो पूरी क्या होती है, सिलेंडर। जो कोन होती है ना, वो यहाँ से इस तरह से बनती है, ठीक है, कॉर्नर बनता है उसका। लेकिन जो सिलेंडर होता है वो पूरा दोनों साइड से बराबर होता है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 68। हेयर वी हैव रिवीजन टाइम। अब हमें यहाँ क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई शेप एंड टिक ऑन द करेक्ट वर्ड, आल्सो राइट 2D और 3D इन द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको इन शेप्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर जो भी उनके नाम दिए हैं, दो नाम दिए हैं, दोनों में से जो सही है वो आपने टिक करना है और फिर बॉक्स में लिखना है कि 2D है या 3D है। जैसे फर्स्ट इन्होंने किया है, ये एक सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, तो ये है ट्रैफिक सिग्नल का होता है, ये ट्रायंगल है और इसमें हमने लिख दिया कि ये 2D होता है। ट्रायंगल आपने पढ़ा था, वो 2D में होता है। अब ये बॉल है, अभी हमने पढ़ा, ये स्फीयर है और ये क्या होता है, 3D, तो इसके बीच में आप लिखेंगे 3D। अब ये देखिए, ये जो फिगर है ये क्या है, ये रेक्टेंगल है और ये क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, 2D होता है, ठीक है। इस तरह ये जो डाइस जिससे आप खेलते हैं, ये क्या होती है, ये क्यूब होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये 3D होती है, ठीक है। अब जैसे ये सिलेंडर की शेप में, ये जो टिन है, ये सिलेंडर शेप में है, ठीक है, तो अब इसका क्या आ जाएगा, ये भी 3D होता है, ठीक है। आप इसमें सिर्फ पहचानेंगे जो प्लेन फिगर हैं, जैसे ये था हमारा, ये आ गया, ये आ गया, तो ये प्लेन फिगर जो होती हैं ये 2D होती हैं, और जो सॉलिड फिगर होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, 3D होती हैं, ठीक है। बाकी जो है वो आप खुद से देखेंगे। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।